हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 23 पार्ट है। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूमि के दो वर्ग केदार एवं सारी निम्न में से किस राजवंश के समय में थे? पौरव वंश के। चंद शासक बाज बहादुर का दीर्घकालिक तिब्बत अभियान निम्न में से कब था? 1670 ईस्वी में। सन 1938 में उत्तराखंड राज्य में किस स्थान पर हुए एक राजनीतिक सम्मेलन में पंडित नेहरू तथा विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था? श्रीनगर में। निम्नलिखित उत्तराखंड राज्य की घटनाओं का सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में आंदोलनिया कांड है और सूची दो में समय है। ऑप्शन देखते हैं, खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 ईस्वी को हुआ था, मसूरी हत्याकांड 2 सितंबर 1994 ईस्वी को हुआ था, रामपुर तिरहा कांड 2 अक्टूबर 1994 ईस्वी को हुआ था, षड्यंत्र टापू कांड 10 नवंबर 1995 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर होगा 3, 4, 1, 2। ऑप्शन देखते हैं, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। महाभारत ग्रंथ में उत्तराखंड की निम्न में से किस प्राचीन जाति का उल्लेख नहीं है? रावत जाति का। कूट के माध्यम से बताइए कि सीरा क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन है। सीरा क्षेत्र, अगर यह कुमाऊं वाला है जो कि वर्तमान में डीडी हाट है, तो इसके अंतर्गत अस्कोट गंगोली क्षेत्र, सोर क्षेत्र और जोहार घाटी का क्षेत्र, ये इसके अंतर्गत शामिल है। जबकि इस क्वेश्चन का आंसर बी, सी और डी बताया गया है। इसका मतलब है कि ये क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल नहीं थे, मतलब कि ये सिरा कुमाऊं वाला नहीं है। ये सिरा शायद गढ़वाल क्षेत्र वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दून घाटी क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल बताया गया है। अगर यह गढ़वाल क्षेत्र वाला है तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर है, कि इसके अंतर्गत बी, सी और डी शामिल नहीं है। अगर यह कुमाऊं क्षेत्र वाला है तो इस क्वेश्चन में नहीं नहीं होगा। यहाँ पर फिर क्वेश्चन होगा कि सिरा क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल था, तो यहाँ पर बी, सी और डी ये शामिल क्षेत्र थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित किस घटना का उल्लेख मुंशी प्रेमचंद द्वारा 30 जुलाई 1930 के हंस के अंक में किया गया था? पेशावर कांड का। इसका संबंध चंद्र सिंह गढ़वाली से है, जो कि 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित किस विद्रोह के दौरान उत्तेजित भीड़ में पुलिस अधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी मारे गए? मसूरी कांड में, जो कि 2 सितंबर 1994 ईस्वी को हुआ था। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। रामपुर तिरहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। षड्यंत्र टापू कांड 10 नवंबर 1995 को हुआ था। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्था या समिति है और दूसरी तरफ अध्यक्ष या प्रमुख है। ऑप्शन देखते हैं, गढ़वाल जागृत संस्था इसके अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी थे, पर्वतीय राज्य परिषद इसके अध्यक्ष दयाकृष्ण पांडे थे, उत्तरांचल उत्थान परिषद इसके अध्यक्ष शोभन सिंह जिन्ना थे, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा इसके अध्यक्ष बहादुर राम टमटा थे, तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। हर गोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता था और इनका उपनाम लोक नायक है। 1674 ईस्वी में किस चंद राजा ने व्यास घाटी को चंद राज्य में शामिल कर लिया था? बाज बहादुर ने। उत्तराखंड राज्य का वह क्रांतिकारी जिसे 14 वर्ष की उम्र में देहरादून में नमक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर 15 दिन का कारावास दिया गया था? श्रीदेव सुमन को। उत्तराखंड राज्य की किस जाति के संदर्भ में यह परंपरा थी कि वे अपनी कन्याओं का विवाह न करके उनसे वेश्यावृत्ति करवाते थे? नायक जाति। गैरसैंण से दूरी के आधार पर उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों का आरोही क्रम में निर्धारण कीजिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा,
नई टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ ये गैरसैंण से दूरी के आधार पर आरोही क्रम में है। उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बी नाग या बेरी नाग निम्नलिखित किस जिले में स्थापित है? पिथौरागढ़ जिले में। रिपुमल, आनंदमल, रायमल तथा भूपति के ताम्र अभिलेख निम्न में से किसके इतिहास का मुख्य स्रोत है? रेखाओं के। पश्चिमी उत्तराखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत को आमंत्रित किया गया, इनकी गिरफ्तारी के पश्चात अध्यक्षता किसने की थी? पंडित हरगोविंद पंत ने। देहरादून से दूरी के आधार पर निम्न जिलों की सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में जिला है और सूची दो में देहरादून से दूरी है। उत्तरकाशी की देहरादून से दूरी 200 किलोमीटर है। पौड़ी गढ़वाल की देहरादून से दूरी 182 किलोमीटर है। नई टिहरी की देहरादून से दूरी 115 किलोमीटर है और रुद्रप्रयाग की देहरादून से दूरी 186 किलोमीटर है। तो इसका आंसर होगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन देखते हैं, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किया जिसमें उसे 8वीं बार सफलता मिली? लक्ष्मी चंद ने। निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पश्चिमी उत्तराखंड में सक्रियता प्रदान की थी? ऑप्शन देखते हैं, प्रताप सिंह ने इन्होंने सक्रियता प्रदान की, श्रीदेव सुमन ने भी और राम प्रसाद नोटियाल ने भी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी ने। पश्चिमी उत्तराखंड का मतलब गढ़वाल से है। निम्नलिखित को सूची को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में पत्रिया पत्रिकाएं और सूची दो में संपादक है। गढ़वाली समाचार पत्र जो कि 1905 में शुरू होता है, इसके संपादक गिरिजादत्त नेथानी थे। कर्म भूमि 1939 में शुरू होता है और इसके संपादक भक्त दर्शन भैरवदत्त धोलिया थे। शक्ति समाचार पत्र 1918 में शुरू होता है और इसके संपादक बद्रीदत्त पांडे थे। रूपाव 1938 में शुरू होता है और इसके संपादक सुमित्रा नंदन पंत थे। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं, 2, 1, 3, 4 तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कलहण की राज तरंगणी के अनुसार निम्न में से किस कश्मीरी राजा ने गढ़वाल क्षेत्र पर अधिकार किया था? ललितादित्य मुक्तापिड ने। रेखाओं के इतिहास जानने का रिपुमल सबसे प्राचीन ताम्र अभिलेख है जो उत्कीर्ण किया गया था 1410 ईस्वी में। बच्चे देवी, कुंती देवी, भागीरथी देवी तथा रेवती देवी जैसी उत्तराखंड की महिलाएं निम्न में से किस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर तथा बैजनाथ आदि स्थलों से कुटिला लिपि में लिखित ताम्र अभिलेख निम्नलिखित किस राजवंश से संबंधित है? कत्यूरियों से। निम्नलिखित में से कौन सा कत्यूरी राजा राजयशो वर्मन का समकालिक था? खरपर देव। निम्नलिखित में से किस पमार शासक ने सिरमौर राज्य के पोंटा व जोनसार क्षेत्र को विजित किया था? फतेह शाह ने। कथन ए और कारण आर के संदर्भ में निम्न कथनों के माध्यम से सही उत्तर दें। कथन ए, रुद्रचंद को अर्थशास्त्र का ज्ञान था, उसने अपने समय में राजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार किए थे। कथन ए सही है। कारण आर, रुद्रचंद ने भूमाप तथा भूकर का निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से किया था। कारण आर भी सही है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मोहन जोशी के नेतृत्व में अल्मोड़ा की नगर पालिका भवन पर कब राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था? 26 मई 1930 को। निम्नलिखित किस ताम्रपत्र में कत्यूरी राजा ललित सूरदेव को कली कलंक पंख में मगन धरती के उद्धार के लिए भरा अवतार बताया गया था? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख में। मजेड़ा ताम्रपत्र या
चंदों से संबंधित है। बागेश्वर ताम्रपत्र और बैजनाथ ताम्रपत्र या कत्यूरी राजाओं से संबंधित है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में राजा या राजकुमार है और सूची दो में अन्य राजा से मुलाकात। लक्ष्मी चंद, इसकी मुलाकात मुगल सम्राट जहांगीर से हुई थी। रुद्रचंद की मुलाकात मुगल सम्राट अकबर से हुई थी। ज्ञानचंद की मुलाकात फिरोज शाह तुगलक से हुई थी और सुलेमान सिखो की मुलाकात पृथ्वीपति शाह से हुई थी। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं, 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 2, 1, 3, 4। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।